Hiya, Bobby. Hi, Ken. You wanna go for a ride? Sure, Ken. Sure. I'm a Bobby guy. ही हाय वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में जिसका नाम है वन एंड ओनली जेसिका। दिन की शुरुआत हो चुकी है और देखिए शुरुआत की है फ्लैग के साथ। सो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आप ये ब्लॉग आज देख रहे हैं, ये कल का वीडियो है, तो 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। ये देखिए, सो हम सब की तरफ से आपको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ये जैनेट ने बनाया है, बहुत ही प्यारा। लेकिन सुनो, इसको इधर उधर नहीं रखना, एकदम अच्छे से रखना। जब ये अपना हो जाए ना, उसके बाद अच्छे से संभाल के बैग में रखना, ठीक है? नहीं, बैग में नहीं, बाहर लगाने को बोला। हाँ, लगाने के बाद ऐसे छोड़ना मत, खराब नहीं करना है, वापस लगा निकाल लेंगे, ठीक है? फिर संभाल के रखेंगे अपने। बारिश आएगी? हाँ, फिर खराब हो सकता है ना बेटा, हमारा नेशनल फ्लैग है, ठीक है? वेरी गुड। सो बहुत ही प्यारा दिन है, अभी हम लोग बैठ के हमारा ब्लॉग देख रहे हैं। दिन की शुरुआत हुई है, इतना प्यारा सरप्राइज लाई सुबह सुबह बना के। गुड। इतने सारे झंडे बना लिए, खुद बनाए हैं? हमने खुद बनाए थे, ये अम्मा ने बनाया और ये बाबा। अच्छा, और वो वाला? हाँ, झंडी बाबा ने की। सही है, पर बेटा देखना ऐसे इधर उधर मत फेंकना कुछ भी, बहुत अच्छे से संभाल के रख। ये मैं क्या कर रही हूँ? क्रिस्टल विटामिन ई का कैप्सूल जो मैं फेस पे लगा रही हूँ, खाती भी हूँ लगाते भी हूँ, तो बहुत कम सम टाइम भूल जाती हूँ। कोई कहेगा इससे क्या होता है जैसिका? तो कुछ नहीं, आपकी स्किन थोड़ी अच्छी रहती है, नॉरिश रहती है। फालतू की चीज़ें लगाने से तो अच्छा है ऐसी चीज़ें लगाई जाएं जो आपके लिए अच्छी हैं। लेकिन स्किन कैसे रेड हो रही है आप देख रहे हैं? दिस इज कॉल्ड नेचुरल थिंग्स। जो आप अच्छी चीज़ें लगाएं, जैसे नेचुरल मतलब विटामिन ई है तो कैप्सूल फॉर्म में है, लेकिन एटलीस्ट हम जो फालतू की चीज़ें लगाते हैं फेस पे, अंट शंट केमिकल यूज़ करते हैं, उनसे तो ये मच 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 बेटर है। पता नहीं आपको दिख रहा होगा कि नहीं, लेकिन मेरी स्किन इस टाइम इतनी रेड हो चुकी है, आई कांट एक्सप्लेन। मैं जब भी कुछ ऐसी चीज़ यूज़ करती हूँ तो मैं फील करती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स हूँ। कैसे यहाँ ठीक, गंदा मत करना, मुझे अच्छा लगता है अपने आपको रिलैक्स मोड में रखना। मुझे इतना अच्छा लगता है ना, ऐसा लगता है मैं आई एम जस्ट गिविंग मसाज टू माई फेस। मैं कम कर पाती हूँ, वो टाइम नहीं मिलता। बहुत सारे ऐसे उपकरण आते हैं जिससे आप अपने फेस को मसाज कर सकते हैं, मसाजर्स आते हैं, स्ट्रेचर आते हैं, पर मैं यूजली प्रेफर करती हूँ हाथों से। इवन अगर मेकअप भी यूज़ करती हूँ ना, तो अगर मुझे ब्लश ऑन करना है, कुछ लिपस्टिक लगानी है, यूजली प्रेफर माई फिंगर्स, उससे मैं बहुत अच्छे से उस चीज़ को
मतलब मर्ज कर पाती हूँ. आई नो माई फिंगर्स कैन फील द टेक्स्चर कि स्किन को किस हिसाब से आपको रिलैक्स करना है. जो प्रोडक्ट या जो इक्विपमेंट्स होते हैं, जो मसाजर्स होते हैं, वो भी वैसे उससे अच्छा ही शायद करते होंगे फिंगर से. पर आई फील कि जो आपकी उंगलियां जादू कर सकती हैं वो शायद ही कोई प्रोडक्ट कर पाए. सो आई यूजली यूज माई फिंगर्स लाइक दिस. अच्छा लगता है ना हाथों में से ना सेल्फ गर्मी निकलती है, जो कि आपके किसी भी प्लास्टिक के प्रोडक्ट से या फिर कोई प्लास्टिक के यंत्र से या कोई भी दूसरी स्टील के प्रोडक्ट जो आप मसाजर यूज़ करते हैं उससे निकले. हाथों में बहुत प्यारी एक सौंधी सौंधी सी गर्मी निकलती है और बड़ा मज़ा आता है. देखिए यू कैन फील द यू नो वॉर्म वॉर्म थिंग्स. मतलब इतना अच्छा महसूस होता है कि अगर मैं चुप करके सिर्फ इसे महसूस करूँ तो आप शायद बोर हो जाएंगे, पर मुझे बहुत मज़ा आएगा. हम सिंह ना कि शायद आप उस चीज को नहीं समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या आपको दिखाना चाह रही हूँ. माई स्किन इज राइट नाउ वे. सो गाइस मेरा पति करने जा रहा है शूट. देखो अभी हम शूट कैसे करते हैं. जिसने अपनी लाइफ में इतना कैचअप किया है ना, कैचअप कर करके इतना कैचअप. कभी कैचअप खत्म हो ना आपके घर, हमारे घर आना. कैचअप खत्म होगा तो उसके बाद मीटअप का नंबर रहेगा. मीटअप करोगे अब तुम? मीटअप सब्सक्राइबर टपा टप मारेंगे तुमको हम. मीटअप करेंगे ये. अच्छा सब्सक्राइबर से करोगे. हमें लगा, हमें ना किसी ने बोला कि जैसिका पति के ऊपर ना पैर नहीं रखते कछु भी. कौन बोला? सारी लड़कियां देवी होती हैं तो कभी दुर्गा बन जाए तो अच्छो अच्छो को. दादा हंसो मत, ऐसे कुछ नहीं होता पैर वैर रखने से, कुछ नहीं होता. मन साफ होना चाहिए. क्या ऐसे तो तुम पैर छू रहे हो और मन में कब चल रहा है, 10 जगह तुम्हारा चक्कर चल रहा हो. इसका तो नहीं है ना, हम शरीफ लोग हैं भैया. पैर रखें, खुद को रखें, साफ चलता. लोग कहेंगे आजकल जैसे कपड़े साइलेंस वाले वीडियो बना रहे. साइलेंस में जो रखा है ना बोलने में नहीं है, एक्सप्रेशन देखा करो. खा भी अब डाले जाएगा. डाल के दाल है, खा लेती हूँ. ये फर्क होता है एक आम इंसान में और एक इन्फ्लुएंसर में. एक आम इंसान ऐसे खाता है और एक इन्फ्लुएंसर ऐसे खाता है. आपको ऐसा दिखाएगा इससे अच्छा खाना कोई नहीं है. मैं हूँ माई. ओए वापस जा कर नहीं देख. हेलो हेलो देख देख तोली खराब कर. मैं मारूंगी. हाँ ये पट्टी लगाने के लिए को मतलब क्यों पट्टी लगानी है? सुनो आप पट्टी बांध दो और बाबा अम्मा भी बांध देंगे. तो उनको तो दिखा लाई ना. सुनो मैंने बोला है कि रुको जब मम्मा देख लेगी तब बुला. भाई जूते कहाँ हैं, चप्पल तो पहनने दो. नानी चलो पहन लो. पूरी आंखें बंद करा दी. पहनो भाई अगर मैं गिरी ना. अच्छा
मैं गिरी। अरे उधर मत देखो। मैं गिरी तो तू पिटी। खोलो खोलो रखो। क्या देखूं? क्या बनाया हाथ? ओए चलो गाइस, बहुत ही बढ़िया है, इन्होंने 15 अगस्त मनाया है। चोला ओ हानी ओ पट्ठे काम करता है। ओए मैं तेरे ना भांडे ना खड़ा बहुत मारूंगी। बर्तन तोड़ रहा है। ओ भाई कसम से बता रही हूँ, वीडियो में से निकल के बहुत मारूंगी। मत तोड़ भाई। हाँ जी हाँ, वो बोल रहा है कि तुम बहुत गंदी बच्ची बन गई हो। कुछ नहीं बोल रहा। सो गाइस अभी मैं फिलहाल खाने जा रही हूँ वर्मा। क्या भाई पकौड़ा? गर्मा गर्म खिचड़ी। ये देखो खिचड़ी, खचौड़ा नहीं खिचड़ी। भूख नहीं है थोड़ी भी, क्या करे, टाइम होने वाला 6 बजे से पहले मेरे को खाना होता है ना। मेरा देखो पट्ठा वार घूम रहा है। हाय हाय, ये जो शर्ट उड़ी थी ना भाई, अभी जो शर्ट उड़ी थी इनकी, वाह वाह वाह, जो गजब का सीन देख लिया हमने। क्या बोले, छोड़िए। और कुछ मत लेना, चलो। क्या मस्त भाप है। ए तू खीरा खा रहे? चल 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 इधर, चल इधर, मेरे आधे छोटे नाना पाटे का, जल्दी चल आ जा। अरे क्या हो गया, क्यों मार रहा है अपने बाप को? ए लड़के, उसने बेब ने क्या किया ना, बेब ने इसका ट्रक रोक लिया पहले तो। हाँ ट्रक में, ट्रक को पकड़ के आगे हाँ, से पहले हाँ, तो चबा दिया रस्सी से। हाँ रस्सी को तोड़ दिया, अबे वो धो के फिर ट्रक में तोड़ दी थी और मैं ट्रक बचा लिया मैंने। हाँ मैं को वो रस्सी को धो के खाने रखना बाप। हाँ तो सारे पुठे काम करोगे तो क्या होगा? कुत्ता क्या होता है, उसका नाम नहीं है? कुत्ता 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 टक्कर मार रहा है, उसने बदला ले लिया एक सेकंड में। तू अच्छी नहीं है, बेबच्ची है। हाँ नहीं बदतमीजी नहीं। अरे अभी मैं रस्सी का कर लिया। क्या तेरा बताओ, कैसे बच्चे अपने बाप से डरते ही नहीं? बाप से क्या डरे मतलब बाप से क्या डरे? बाप ही ऐसा है, बाप को पड़ी नहीं कि बच्चे में थोड़ा डर भी डाले है। इन जैसे बच्चे ना बड़े होके फिर। सो गाइस मेरे किड्स अभी गए हैं छत पे अपने पप्पा के साथ, डैडी के साथ गए हैं ऊपर और ऐसे घूमने गए हैं। ओके सो मैंने देखा उनको भूख लगी है तो मैंने सोचा चलो आज दूध वूध देने से अच्छा है कि समथिंग डिफरेंट, तो मैं भी बनाने जा रही हूँ रात को पूड़ी सिर्फ उनके लिए, हम नहीं खाने वाले। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था मैं पूड़ी बनाऊँगी, तो अब रात को कौन पूड़ी खिलाता है? लेकिन बच्चों का क्या है, उनको सब चलता है, दे डाइजेस्ट ना, वो डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो फटाफट बना लेती हूँ, थोड़ा सा मुझे आटा भी गूंदना पड़ेगा, कर लेती हूँ फिर आपसे मिलती हूँ। दिस इज कॉल्ड खिचड़ी, यह है खिचड़ी
अभी खिचड़ी बच्चे ऐसे तो खाते नहीं है, तो मैं क्या कर रही हूँ, खिचड़ी डालूंगी पूड़ी में। हम जी अभी कभी जैसे कैसे कौन बनाता है जी, मैं बनाती हूँ, बच्चों के लिए सब चलता है। समथिंग कुछ यूनिक यूनिक करने का दिल करता है, पर मेरे पास टाइम नहीं होता तो मैं नहीं कर पाती। बना तो पूरी रही थी, फिर दिमाग में आया कि स्टफिंग थोड़ी ज़्यादा कर देती हूँ, दिस कैन बी कचौरी, और ये खिचड़ी वाली कचौरी होगी जो बच्चों को डिलीशियस भी लगेगी, क्योंकि उनको ऐसे तो चावल और ये खिचड़ी विचड़ी अच्छी नहीं लगती। लेकिन अगर आप इसकी इस तरह से भर के बनाएंगे, थोड़ा नमक थोड़ा सा ज़्यादा रखना पड़ता है इसके लिए, हल्का सा, बच्चों को कैसे ज़्यादा नमक भी नहीं खिला सकते ना, तो थोड़ा सा ज़्यादा रख दीजिए बस। खिचड़ी को यूँ पहले आप नीचे की जो रोटी है ना जो आप बना रहे हो, उसको थोड़ा फैलाव उसका करना पड़ेगा, ताकि ये इसके अंदर स्टफिंग के तौर पे अच्छे से आ जाए। स्टफिंग करने में तो सरदार बहुत ही बढ़िया होते हैं, क्योंकि हम शुरू से पराठे भरते हुए आए हैं, तो बहुत ही बेहतरीन स्टफिंग कर लेते हैं। मतलब सरदारों के यहाँ तो भाई पराठे ही बनते हैं ज़्यादा। अब जो सरदार हो तो वो मेरी बात को समझ जाएंगे कि मैं कहाँ ले जा रही हूँ इस बात को, और क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। और आप कहोगे जैसिका हाथ से क्यों, हाथ से क्यों, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। और आप ये चीज़ समझ लो कि इसके ऊपर आपको थोड़ी भी थोड़ा भी धूड़ा नहीं लगाना। अब आपकी भाषा में आप क्या कहते हो मुझे नहीं पता, पर हम इसको कहते हैं आटा, सूखा आटा नहीं लगाना। और ये देखिए बना रही हूँ, हाथ में फर्स्ट थोड़ा सा तेल लीजिए, माड़े माड़े हाथों से ना ऐसे दबाते जाइए। टाइम कंज्यूमिंग होता है ये प्रोसेस, पर बढ़िया बनता है। एटलीस्ट बच्चे खुशी खुशी खाएंगे, उनको लगेगा कि चलो हमारी मैया ने कच्छू तो दियो अच्छो। मैं बागेश्वर बाबा जैसा नहीं बोल रही, धीरेन्द्र शास्त्री जैसा आ गए। हाँ जी, बिल्ली टच करके आए हो ना, तू झूठ बोलता है। हाँ हाथ धो क्या, ऐसे हक कर ली, मैं तुम्हारा हक निकाल दूंगी जाके। चलो मैं हाथ धो लिए, देखो गीला कहाँ धो क्या, ये छत पे या नीचे, क्या छत पे तो है नीचे तो है। देखो लेट मी प्रिपेयर समथिंग, यू जस्ट गो आउट, को छींटे पड़ जाएंगे बेटा। मैं आपको एक आइडिया बताऊं, जैसे एक मजेदार आटा बना सकते हैं। दोनों यहाँ से जाओ। तरह से मैंने थोड़ी बेल ली है और बस प्यार से डालेंगे और प्यार से पकने देंगे, बहुत प्यार से पकने देंगे। सिम पे है, ज़्यादा तेज नहीं करना, क्योंकि जितने प्यार से पकेगी, धीरे धीरे पकेगी, उतना बेटर है। सो अभी कुछ इस तरह से गोल्डन गोल्डन सी हो रही थी, कितनी प्यारी दिख रही है। सिम पे ही रखना है आपको, और मैंने ज़्यादा सिम कर दिया। और देखिए आपसे बातें करते करते मैंने इसे भी स्टफ़ कर लिया है। धूड़ा क्यों लिया, क्योंकि मैंने एक रोटी बेली थी, इसके लिए मैंने धूड़ा लिया, लेकिन धूड़े का यहाँ पे कोई काम नहीं है, तो इसे साइड में रख दिया जाए। और अब ऑयल लेके मैं इसे धीरे धीरे लोई को बड़ा करूँ। तो आपसे बातें करते करते मैंने एक और इस तरह से हाथों से बेल लिया, हाथों से कैसे बेलते हैं, हाथों से गोल कर ली है। और ये देखिए धीरे धीरे पक रही है, और आप ही सोचेंगे जैसे का थोड़ा तेज़ कर दो, लेकिन कैसा ना इसके अंदर जो स्टफिंग है, मैं चाहती हूँ ये अच्छे से पके और धीरे धीरे। कोई भी चीज़ अगर आप सिम पे पकाते हैं ना, तो वो ज़्यादा अच्छे से पक जाती है, ज़्यादा हेल्दी रहती है, क्योंकि वो कच्ची नहीं रहती है ना। आप बच्चों को खिलाने जा रहे हैं तो बहुत ध्यान देना पड़ता है सब चीज़ों का। सो मैंने कुछ इस तरह से निकाली, देखी कितनी ही प्यारी गोल्डन ब्राउन हुई है। और चलिए अब एक और डाल लेती हूँ। थोड़ी देर ऐसे छोड़ूंगी, क्योंकि एकदम से आप हिला देंगे ना, तो जो कचौड़ी टाइप जो भी आप बना रहे हैं वो सेट नहीं हो पाता। इसके लिए जो भी चीज़ आप बनाए, थोड़ा उसकी एकदम से पलटी है मत, थोड़ा होल्ड कीजिए। सो मैं इसे परफेक्टली कट कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चों को कुछ अतरंगी चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती है, नाइसली कटेड वो अच्छा लगता है, तो बहुत बहुत ही डिलीशियस लग रही है ये। इसमें भरपूर क्रिस्प आ चुका है देखिए, और ये देखिए
मेरे मुंह में पानी आ रहा है, बट मैं तो शाम को खा नहीं सकती इसके लिए, नहीं तो अभी मैं खा जाती। और उनके लिए दूध भी रेडी है और हमारे लिए पानी भी उबल रहा है। देखिए यह सिनेमन वाटर, सिनेमन मैंने आज डाली है, कार्डमम मतलब इलायची डाली है और दालचीनी डाली है, तो इसका पानी हम दोनों मतलब मैं और अभिनव पी के रात को सोते हैं। सो फिलहाल इनके लिए मैंने जो बनाया था इनको सौंप दिया, अभी लोग खाएंगे, मेरी जान को छुटकारा देंगे, मैं अब सो जाऊंगी। देखिए अब इनके खाने का कैसा है, अच्छा है ना, देखा गाइस खिला दिया, तुम्हारा भी बड़ा है लेकिन तुम्हारा क्रंची क्रंची है, खा के देखो। एंड बताओ मम्मा को कैसा है, टेस्टी है ना, देखा गाइस हम तो ऐसे काम ही ऐसे करते हैं कि किसी को कानो कान खबर ना हो। सो गाइस आज के लिए आपसे परमिशन लेनी पड़ेगी, सो आज के लिए दे दीजिए इजाजत, मैं आपसे मिलूंगी कल इन माय न्यू ब्लॉग। टिल दैट टाइम डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड शेयर। क्या दिखा रहा है, किसी साथ समझी है, समझी नहीं है वो सीक्रेट मसाला मम्मा का नहीं। अब मैं आपसे मिलती हूँ कल इन माय न्यू ब्लॉग, टिल दैट डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड शेयर, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हैं तो दिल में है, कहीं नहीं जाएंगे, हिट द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। Bye. Love you all. Bye. 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 Bye.